अंबाला के बेटे गुरु जपनीत सिंह को आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 2,20,00,000 में खरीदा है। इसके बाद से परिवार में मिठाई खिलाने वालों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान जपनीत के माता पिता ने अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए कहा कि कड़ी मेहनत के बाद आज बेटा इस मुकाम पर है। आईपीएल 2025 के लिए अंबाला के बेटे गुरु जपनीत सिंह को चेन्नई सुपर किंग्स ने 2,20,00,000 में खरीदा है, जिसके बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। घर पर बधाई देने वालों का मेला लग गया है। जपनीत के माता पिता का कहना है कि शुरू से ही उसमें क्रिकेट की दीवानगी थी और अंबाला में कोई स्कोप न मिलने की वजह से कॉलेज छोड़कर चेन्नई क्रिकेट प्रशिक्षण लेने चला गया। चेन्नई स्थित एकेडमी में ट्रायल देकर भर्ती हो गया। इसके बाद उनके बेटे ने बहुत मैच खेले और आज इस मुकाम पर पहुंचा है, जिसमें न सिर्फ उनके माँ बाप बल्कि पूरे अंबाला को उन पर गर्व करने का एक मौका दिया है। जपनीत के पिता पेशे से फोटोग्राफर है और माता अपना बुटीक चलती है। ये दोनों ही महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन है। इस सिलेक्शन के बाद अब जपनीत के माता पिता उन्हें ब्लू जर्सी में देखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है, उसकी सिलेक्शन हुई है ना। बचपन तो उसको बहुत ज्यादा शौक सी इस चीज का, तो हुण वो मतलब स्टेप बाय स्टेप अगे वधदा गया, तो हुण जिवें आईपीएल की सिलेक्शन हुई है, बहुत ज्यादा सारियां नूं बहुत प्राउड फील हुंदा, सानू बहुत खुशी हुंदी है। तो हुण बस अगे हुण यही चीज़ है कि भी है ना, अगे अगे होर वधिया बच्चा परफॉर्म करी जाए तो अगे अगे वधी जाए। बस सपना हुण यही है कि अगे वो ब्लू जर्सी दे विच उसनूं देखिए इंडिया वास्ते खेडे, यही साडा सारे का सपना हुण है। बचपन तो ही उसनूं बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी एज तो ही उसनूं इस तरफ से उसका झुकाव कि भी शौक से उसनूं ना क्रिकेट खेडण का, तो बस इसे दे लाइन समझ लो अगे अगे फिर चलता गया है। तो असी भी उन्हें भी अपना 100% पूरा दिता, तो नाल सानूं भी सी कि अगर तेरा शौक है ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਭ ਪਾਸੇ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਿਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਆ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੇ TNPL ਮੇਂ ਕੀਆ, ਅਭੀ ਉਸ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੀ, ਉਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਡੈਬਿਊ ਮੈਚ ਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵਿਕਟ ਲੀਏ ਜਿਸਸੇ ਉਨਕੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬੜ ਗਈ ਉਨਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਈਵ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹਮਨੇ ਉਸਕੀ, ਹਮਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਕਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ बट दूसरे दिन उसका 7:15 उसका नंबर आया, तो हम बड़े ही एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए भी, देखो हमारा क्या उसमें उसका हमारा सिलेक्शन होता है, कौन सी टीम उसको लेती है इसको, है नहीं। तो हम CSK का बहुत थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उसको अपनी टीम में लिया। तो बेटे से बातचीत हुई है? हाँ जी, बेटे से बातचीत हुई थी रात को, बहुत खुश थे सारे, बहुत खुश थे हम, ठीक है। उन्होंने भी बहुत, हमने उसको मुबारकें दी, उसने हमें मुबारकें दी, फिर हमें बहुत ही हमें अच्छा फील हुआ। सफ़र सर स्कूल टाइम से लेकर के अब तक का उसका बहुत ही स्ट्रगल वाला रहा, मैं कहूँगा मैं, उसने बहुत हार्ड वर्क किया उसने। तो उसने यहाँ पहले अपने KV नंबर 1 में उसने स्कूल ज्वाइन किया, +2 यहाँ से करके गया वो, फिर उसके बाद वो उसको, उसका कोच थे अनिल मसीह सर थे, उसके कोच थे वो, उसको वहाँ पर उसका ट्रायल दिलवा के लेके आए उसको जो इंडिया सीमेंट्स के अंदर, तो वहाँ वो उसको क्वालिफाई करा। फिर उसको मैं उसको वहाँ पे गुरु नानक कॉलेज है वहाँ में उसकी मैंने एडमिशन कराई, इसकी यहाँ खुद मैं साथ गया उसके, तो वहाँ से फिर वो कॉलेज में भी खेला, कॉलेज के बाद इंजीनियर्स में भी खेला, फिर TNCA में भी खेला, VJCC में भी खेला, इग्मोर RC में भी खेला, फिर उसका फिर 2021 में उसका TNPL के अंदर सिलेक्शन हुआ, जिसके लाइव मैच TV पे आए, सबने देखे, उस टाइम भी बड़ा हमने प्राउड फील किया। उसके बाद फिर आज वो रणजी भी खेल रहा है, मुश्ताक अली भी खेल रहा है, और उसके बाद अब इसका सिलेक्शन CSK में हुआ। उसका इतना शौक था, मैं आपको बता नहीं सकता, कि उसका जब भी कोई मैच आता था उसने कहा 5 बजे से स्टेशन पहुंचना है, तो वो 5 बजे से पहले पहुंच जाता और सबको कहता था भी तुम क्यों नहीं आए अभी तक, मैं यहाँ खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ सबकी, तुम क्यों नहीं आए अभी तक, मतलब वो 100% उन्हें अपना जो टाइम दिया क्रिकेट को दिया। ये इसको 7 साल हो गए जी वहाँ पे गए को, उसको 2017 में गया था वहाँ पे, तो 2017 से ही बेचारा स्ट्रगल कर रहा है और पूरा 100% उसने अपना क्रिकेट को ही दिया। क्या सपना है आपका? बस अब सपना तो एक ही है, बस ब्लू शर्ट ब्लू टी शर्ट पहननी है उसने, बस इंडिया का सपना। सारे ही उसको बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे जो कुलीग्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हम इसको, हमने नेक्स्ट ईयर में इसको ब्लू टी शर्ट में देखना है, हमने इंडिया में देखना है।